हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हमें कंप्लीट करना है हरप्पन सिविलाइजेशन, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलते हैं जिसे। लास्ट हमने प्री हिस्टोरिक एरा करा था, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और जो लास्ट हमने चालकोलिथिक एज का कंप्लीट किया था। आज करेंगे हम हरप्पन सिविलाइजेशन को, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कई बार हरप्पन लिख देते हैं, कई बार IVC भी लिख देते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, जो कि पार्ट है ऑफ प्रोटो हिस्ट्री का। अगर प्रोटो हिस्ट्री आपको नहीं पता है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करवाई थी। ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन यानी कि हमको पता है कि शहरीकरण की बात हो रही है यहाँ पर, कि अब तक तो विलेज के हिसाब से ही हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन पहला जो अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया का, तो कहीं ना कहीं इसको पूरे वर्ल्ड का भी माना जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर साउथ एशिया की बात करेंगे, ठीक है। तो पूरे साउथ एशिया का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा रहा है, तो वो रहा है IVC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो IVC हम पढ़ेंगे इसको। तो IVC और मेसोपोटामियन, यानी कि उसको हम सुमेरियन भी बोलते थे, इजिप्टियन की हम बात करेंगे, और कुछ चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ये चार सिविलाइजेशन थी जो कि अर्लीस्ट सेटलमेंट दिखाती हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी लाइफ की। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें कि अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहाँ हुआ था, तो पहला था हमारा IVC, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज़। तो ये चार थे, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें इनकी सोसाइटी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में पता चलता है। दे वर कॉल्ड क्रेडल्स और ऑफ सिविलाइजेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन है, यानी कि ग्रुप था ये पूरे चार का, जो कि अलग अलग एरिया में था। IVC जो है ये साउथ एशिया में था, इजिप्ट वाले इजिप्ट पार्ट में, वेस्टर्न साइड में थे, चाइनीज़ का हमें पता चल गया कि मतलब एशिया से ऊपर। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि टोटल चार सिविलाइजेशन थे जो एमर्ज हुए थे एक साथ, जिसको हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो साउथ एशिया का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा था, तो वो कौन सा था, IVC, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। फॉर सेक ऑफ स्टडी, IVC हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू थ्री फेज। तो IVC को थ्री फेज में डिवाइड किया है पढ़ने के पर्पज से, ठीक है, तो ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ पाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो IVC है, इसका टाइम पीरियड था। देखिए, मुझे ना अपने नोट्स से बेटर ये नोट जो मैंने PPT बनाई है ये लगा, क्योंकि मैं कुछ सर्च कर रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं से मैंने ये सब कुछ लिया था, कि इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो बेटर होगा आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो IVC की अगर हम बात करें, तो 3300 से लेकर 1300 BC तक ये टाइम पीरियड इनका था। तो अब अगर हम देखें, अर्ली फेज़ था, दूसरा पार्ट इसका मैच्योर फेज़ था, फिर आता है लेट फेज़, जहाँ पे इसका डिक्लाइन होता है। तो मैच्योर फेज़ का मतलब है कि यहाँ पर ये राइज हुआ था, अर्ली फेज़ यानी कि यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, और लेट फेज़ यहाँ पे इनका एंड हुआ था। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो 3300 से 2600 BC तक इनका जो है अर्ली फेज़ चला था। तो जो अर्ली साइट्स थी IVC की, आर पादरी, ये पादरी थी जो कि गुजरात में थी। अब आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में, स्पेशली स्टेट PSC के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का अर्ली फेज़ में कौन कौन सी साइट्स थी। तो पादरी था गुजरात में, ये मैच द फॉलोइंग में आता है। कालीबंगन हम सबको पता है कि राजस्थान में है, कई बार पढ़ा होगा। धोलावीरा जो है कच्छ एरिया में है, ये भी राजस्थान में है। हरप्पन की हम बात करें, जो प्रॉपर हरप्पा सिविलाइजेशन हमें मिली थी, वो पाकिस्तान के एरिया में मिली थी। बालकोट, आमरी एंड बिरहाना, ये हरियाणा में मिला था हमें, और कोट डिजी एंड गुमला। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये सारे साइट्स जो हैं अर्ली फेज़ के साइट्स थे, और जो मैच्योर फेज़ है ये 2600 से 1900 BCE के बीच में चला था। तो मैच्योर फेज़ यानी कि यहाँ पर राइज हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि पीक पे था। ऑक्यूपाई किया था एरिया ऑफ ओवर 800,000 स्क्वायर किलोमीटर। मंडा, जम्मू की बात हो रही है यहाँ पर, तो कम से कम 800,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था। अब देखिए, ये एक बनाया है कि ये मिडल पार्ट है एक्सटेंट, कहाँ नॉर्थ में कहाँ तक गए थे ये, तो नॉर्थ में मैं एक बार रब कर देती हूँ, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी तो हमने ये पढ़ा कि 800,000 स्क्वायर किलोमीटर तक था, लेकिन नॉर्थ में ये कहाँ तक गया था, नॉर्थ में ये मंडा जम्मू कश्मीर तक गया था, ये ध्यान रखना है। फिर ईस्टर्न साइड में ये UP के आलमगीरपुर तक गया था। साउथ में देखिए, तो साउथ में ये मलवान गुजरात तक गया था, तो गुजरात के नीचे नहीं था ये। और अगर हम वेस्टर्न एरिया की बात करें, तो सुप्टा गेंडोर हम बोलते हैं, जो कि बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान की बात हो रही है। तो साउथ में ये, वेस्ट में ये यहाँ तक गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्थ में कहाँ तक गया था, ईस्ट में कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था, साउथ में गुजरात तक था, और वेस्ट में ये बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान तक था। ये नाम आपको याद होने चाहिए। लेटर फेज़ की अगर हम बात करें, तो ये 1900 से 1300 BCE के बीच की बात चल रही है। तो जो IVC है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसका जो डिक्लाइन है
ये हुआ था इस फेज में, जो साइट्स थे इस एरिया के, मतलब साइट्स आर मोर इन नंबर, मतलब साइट्स जो थे काफ़ी थे लेकिन दे आर स्मॉलर इन साइज. अब तक जो साइट्स थे ये काफ़ी बड़े थे एरिया के हिसाब से, लेकिन ये एरिया के हिसाब से बहुत कम थे, लेकिन ज़्यादा साइट्स थे और डिवाइड हुए थे 5 फेज में. तो हम इसको अब मैप में देखेंगे, ठीक है. तो ये हमारा अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज़ है, ये मैच्योर फेज़ है और ये लेटर फेज़ है. तो क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कि रीजनलाइजेशन एरिया, यानी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्ली फेज़ है इसको हम क्या बोलते हैं कि रीजनलाइजेशन एरिया एरा, मतलब कि जो रीजनलाइज यानी कि रीजन वाइज अब ये बट रहे थे उस टाइम पे, इनका रीजन डिसाइड हो चुका था जब इनका हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हुई थी आईवीसी की, तब की बात चल रही है. अब अगर हम देखें सेकेंड यानी कि मैच्योर फेज में बता रहा है कि इंटीग्रेशन एरा था. इंटीग्रेशन एरा का मतलब है कि अब ये जुड़ रहा था. देखिए अभी तक हमारे पास एक यही था कि अब इसने फैलना शुरू किया था, रीजनल इसका डिसाइड हो गया था कि अपर यानी कि नॉर्थ वेस्ट एरिया है इंडिया के हिसाब से. फिर उसके बाद इस एरिया में ये यहाँ से यहाँ तक इनका जो है एक्सटेंड हुआ ये एरिया. फिर हम लास्ट जो हमारा आईवीसी का लेट फेज होता है इसको हम लोकलाइजेशन एरा बोलते हैं, यानी कि लोकलाइज हो गया, अलग अलग एरिया अपने अपने नाम से उससे जाना जाने लगा. पहले ये पूरा आईवीसी हुआ करता था लेकिन अब इसके जो है हड़प्पन कल्चर हो गया, ये मोहनजोदाड़ो हो गया, तो इस तरीके से इस नाम से अब ये मतलब लोकलाइज नाम से ये जाने जाने लगे. अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे. अब अगर हम बात करते हैं कि देखिए कोट जीजी कल्चर जो है यहाँ पे था और हड़प्पा ये रहा, मेहरगढ़ ये रहा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर दिखाई दे रही होंगी. जो अर्ली आईवीसी है अगर हम बात करें स्टार्टिंग का जो था, इसको हम बोलते हैं कि ओल्डर था ये चालकोलिथिक एज से. जो चालकोलिथिक एज मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, तो जो स्टार्टिंग का फेज़ है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का यानी कि आईवीसी का, वो चालकोलिथिक एज से भी पुराना माना जाता है. कोई लार्ज सिटीज़ यहाँ पे नहीं थी, नॉट मच एक्सपर्टाइज इन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन. तो कुछ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन नहीं था क्योंकि ये अभी एमर्ज ही हो रहा था, तो ज़्यादा इनके पास कुछ टेक्निक्स नहीं थी. नो अर्ली आईवीसी साइट्स एक्टिव इंडस प्लेन. तो कहने का मतलब है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंडस प्लेन के आसपास कोई भी आईवीसी जो साइट्स थी वो नहीं थी, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है. जो अदर साइट्स थी जो कि मेंशन नहीं है मैप में, वो है पादरी गुजरात में करवा चुकी हूँ, बिरहाना हरियाणा एंड गुमला, ठीक है, ये ध्यान रखना है. फिर अगर हम बात करें मैच्योर फेज के हिसाब से, तो अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज़ जो थी स्टार्टिंग वाली, वो टर्न होगी एक लार्ज अर्बन सेंटर में, यानी कि अब शहरीकरण हो रहा है, अब इन्होंने एक प्रॉपर शहर बना दिया अपने नाम से, जिसको ये कहीं ना कहीं सारा मिक्स था इसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हर चीज़ थी इसके अंदर. तो मोस्ट ऑफ आवर रीडिंग नाउ ऑनवर्ड्स विल बी अबाउट मैच्योर फेज ऑफ आईवीसी. तो कौन सी न्यू साइट्स यहाँ पे डेवलप हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैच्योर फेज में कौन सी न्यू साइट्स डेवलप हुई थी. तो मैच्योर फेज में जो साइट्स डेवलप हुई थी वो था सोक्ता को, फिर नेक्स्ट था ये, और मतलब इसमें क्लियर नहीं, सोमनाथ, लोथल, कुंटसी, तो ये सारे जो है ये न्यू साइट्स थे किसमें, मैच्योर फेज में. मंडा, ये भी यहाँ पे न्यू साइट्स हैं, तो ये चीज़ राखीगढ़ी हरियाणा में, ये भी कालीबंगन राजस्थान में, बनावली, ये सारा एरिया रोपार, तो ये सब कहाँ पे थे कि मैच्योर फेज में नई सिटीज़ थी जो एमर्ज हुई थी, ये क्लियर है. फिर हम बात करेंगे लोकलाइजेशन एरा यानी कि लेट फेज में, जहाँ पे आईवीसी का डिक्लाइन हो रहा था, तो ये रीजनल के हिसाब से जाने लगा कि ये हो गया हमारा मोहनजोदाड़ो का एरिया, ये हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है. तो ये 5 फेज में डिवाइड था हमारा लेट आईवीसी. तो वेस्टर्न पंजाब का जो फेज था इसको हम सिमेट्री कल्चर बोलते थे और ईस्टर्न पंजाब फेज बोलते थे हम इस एरिए को, लिखा हुआ है ना सिमेट्री एच कल्चर. तो ये हमारा वेस्टर्न पंजाब का एरिया था. फिर आता है गंगा यमुना दोआब फेज, ये अलग नाम से जाने लगा कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें होंगी गंगा नदी के किनारे वो गंगा यमुना दोआब फेज के नाम से जाना जाएगा. फिर ये मोहनजोदाड़ो वाला, ये छानूदारो वाला जो एरिया है ये हमारा झुकर फेज के नाम से जाना जाएगा. फिर लेट आईवीसी एक रंगपुर फेज है जिसमें हमारा आ जाता है सोमनाथ का, लोथल एरिया, धोलावीरा, ये सारा एरिया हमारा किस में आ जाता है, रंगपुर कल्चर में. तो क्लियरली आपको ये ध्यान रखना है, ये मैप जो है अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी ये इमेजेस में जाकर ये मैप मिलता है, तो डिटेल में वहाँ से पढ़ लेना. लेट आईवीसी जो है यानी कि बाद वाला जो आईवीसी था लेट फेज का, वो पोस्ट अर्बन फेज माना जाता है, यानी कि अर्बनाइजेशन डिक्लाइन हो रही थी, डिफाइंड बाय अ डिक्लाइन इन द सिटीज, सिटीज़ का डिक्लाइन हो रहा था. और लेट आईवीसी साइट्स आर मोर इन नंबर, नंबर्स में ये बहुत ज़्यादा थे लेकिन इनका एरिया जो है ये बहुत ही कम था, ठीक है. अब हम बात करेंगे जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन है आईवीसी की, ठीक. तो यानी कि ये वो थ्योरी है कि ओरिजिन कैसे हुआ. There is no completely accepted theory. ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो अभी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करी गई हो. कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा है, एक आइडिया है जो सोर्सेज हमें मिले हैं उनसे. फिर हम बात करेंगे
कि अब तक हमने कोई भी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करी है ऑन द ओरिजिन ऑफ हरप्पन कल्चर, यानी हरप्पन कल्चर के बारे में अभी कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो हमने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर ली हो। हर थ्योरी में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हैं, हर थ्योरी में कुछ ना कुछ दूसरे जो जिन्होंने फाउंड किया है डिस्कवरी अलग अलग, उनके बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स चलते आ रहे हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। बट इज़ जनरली बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री हरप्पन इंडिजीनियस विलेज कल्चर। बट ये चीज़ जो है ये सबने मानी है कि जो IVC का जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग है, वो कब हुआ था, जब प्री हरप्पन एरा चल रहा था, यानी जब चालकोलिथिक एज था, उससे पहले ही इनका एमर्जेंस शुरू हो चुका था विलेज के हिसाब से, बाद में ये अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़े थे। जो राखीगढ़ी फाइंडिंग है ये रिसेंट की फाइंडिंग है, DNA स्टडी ऑफ स्केलेटल रिमेल, एग्जाम में बहुत, क्या मैं बोलूँगी, 500 बार पूछा गया है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो स्केलेटल का रिमेल, यानी कि हड्डियाँ जो मिली हैं राखीगढ़ी में सिमेट्री का, वो कहाँ मिली थी, तो वो राखीगढ़ी में मिली थी, ठीक है। शोज दैट द पीपल ऑफ IVC हैड एन इंडिपेंडेंट ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ओरिजिन था, यानी कि प्रीवियस थ्योरी जो है हमें बताती थी कि हरप्पन जो है ओरिजिनेट हुए थे स्टिप पेस्टोरल और ईरानियन फार्मर एंसेस्ट्री से। कहने का मतलब है इंडिया में इनका खुद का वर्चस्व था, ये यहीं रहे थे, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, इनका उद्गम यानी कि एमर्जेंस जो है वो इंडिया में ही हुआ था। ये जो रिमेन्स है स्केलेटन के, ये हमें राखीगढ़ी से मिलते हैं। पहले की स्टडी से बोला जाता था कि ये ईरानियन हो सकते हैं, उधर के उनके एंसेस्टर्स थे, यानी उनके जो पूर्वज थे ये वहाँ के थे, ईरान साइड के, बट ये बात बाद में गलत साबित हुई। लेकिन अब माना जाता है कि ये इंडिपेंडेंट ओरिजिन था, इनका ओरिजिन जो है इंडिया में ही हुआ था। क्लियर हो गया। और उस टाइम पे इंडिया में जो है हम देखते हैं पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, तो अफगानिस्तान भी, तो इसलिए हम पूरा लेके चलेंगे। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो मैंने इस तरीके से मैंने चार्ट बना के बनाया है, क्योंकि मेरा खुद का नहीं है, मैंने भी नेट से उठाया, तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। फीचर्स हम बात करेंगे सबसे पहले, तो मैं आपको फीचर्स दिखा देती हूँ कि क्या ये फीचर्स था गेटवे का और सिटी वॉल का, कि मतलब उस टाइम पे कैसे टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। देखिए टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली कैसी थी, तो ये इमेज मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले हम ये देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि डिवीजन ऑफ अ सिटी रेज्ड पार्ट कॉल्ड सिटाडेल। तो सिटाडेल किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, कोई बात नहीं, इसने बोला है कि जो डिवीजन था सिटी का वो रेज किया गया था किसके द्वारा, कॉल्ड सिटाडेल। यानी कि हमने सुना था कि एक साइड जो है ऊंची जमीन थी जहाँ पे रिच लोग रहते थे, और एक साइड था जहाँ पे लोअर पोर्शन बोलते थे, जहाँ पे नॉर्मल फैमिलीज रहती थी, तो उसको हम बोलते थे, ठीक है, दो चीज़ों को डिवाइड करता था। कंसिस्टेड ऑफ हाउसिंग फॉर रूलर्स एंड इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग सच एज ग्रीनरीज। तो ग्रीनरीज यानी कि खजाना, सिटाडेल हम बोलते हैं ऊंचे एरिया को जहाँ पे पूरा जो राशन हुआ करता था, जो ग्रेन हुआ करता था पूरे साल का वर्कशॉप, वो यहाँ सिटाडेल में इकट्ठा किया जाता था। इट वाज मोस्टली सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द सिटीज़, तो वेस्ट साइड में जो है सिटाडेल हुआ करता था, ये लिखा है। ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे क्या होता था, पब्लिक बिल्डिंग होती थी, मार्केट एरिया होता था, हाउस ऑफ रूलर्स हुआ करते थे, जो रूल करते थे, रिच फैमिलीज हुआ करती थी, वर्कशॉप्स, तो ये सारी जो है रेज्ड एरिया यानी कि ऊपर उठे हुए एरिया में होते थे, क्योंकि अगर बाढ़ आता था, पानी आता था, तो कम से कम ये जगह जो है ये सेफ रहती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इट वाज मोस्टली सिचुएटेड ऑन द वेस्ट साइड, तो वेस्ट सिटी में होता था हमेशा। अगर एग्जाम में कंफ्यूज किया कि आपको सिटाडेल जो है ये ईस्ट साइड में था, तो नहीं, ये वेस्ट साइड में था, डन। फिर हम बात करते हैं इनके बारे में कि लोअर पार्ट जो है, अब लोअर पार्ट किसको बोल रहे हैं, लोअर पार्ट हम इस एरिया को बोल रहे हैं, ठीक है। तो लोअर पार्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ईस्टर्न साइड जो था, यानी कि अगर ये दो डिवीजन है, ये अपर है और ये लोअर है, तो ये जो लोअर साइड है हमारा, इसको हम क्या बोलते थे, ये कंसिस्ट करता था हाउस ऑफ कॉमन सिटीजन्स, तो ये कॉमन सिटीजन्स के हाउस हुआ करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये कॉमन सिटीजन्स के हाउस है और यहाँ पे अपर क्लासेस लोग रहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये रहे ना हाउस ऑफ कॉमन पीपल, और ये सिटाडेल है, ये ऊंचा उठा हुआ एरिया है, तो ये वेस्ट साइड होता था और ये ईस्टर्न साइड होते थे, तो क्लियर हो गया होगा आपको। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ सोशल हायरार्की, कि सोशल हायरार्की दिखाता है, और सम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कि अपर क्लासेज यानी कि अथॉरिटी है जिनके पास, वो सिटाडेल में रहते थे, यानी कि अपर रेज्ड एरिया में, यानी कि उठी हुई जमीन जो एक कहते हैं ना कि हम किला टाइप का बनता था, उसमें ये लोग रहते थे। तो ये हमें दिखाता है कि उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो अगर एग्जाम में पूछा कि हरप्पन सिविलाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो हाँ था, ठीक है, सोशल हायरार्की थी, ये ध्यान रखना है। ऑल्सो द पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर्स, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर्स जो हुआ करते थे वो सेपरेट थे,
यानी कि पब्लिक के बारे में और प्राइवेट जो चीज़ें टॉपिक हुआ करती थी उनके बारे में एरियाज जो थे वो सेपरेट थे, अलग थे, एज द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स एज इज ऑलवेज डन इन अ मॉडर्न टाउन प्लानिंग. आज के टाइम पे भी हम दो चीज़ें डिवाइड करते हैं, पब्लिक ऑफिसेज प्राइवेट ऑफिसेज अलग होते हैं. इसी तरीके से हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट की अलग हैं, प्राइवेट अलग हैं. तो ये चीज़ें उस टाइम पर भी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पहले से ही चलता आ रहा है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ग्रिड पैटर्न की स्ट्रीट्स थी इनकी, आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास में, गेटवे था, सिटी वॉल्स थी, जो सिटी थी इनकी वो बड़ी बड़ी वॉल्स से ढकी हुई थी. तो ये इनकी टाउन प्लानिंग है. इनकी टाउन प्लानिंग से 10 बार के 50 बार क्वेश्चंस आए हैं. अब इनकी स्ट्रीट्स कैसी थी, तो स्ट्रीट के बारे में हम बात करेंगे. इट फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न. तो ग्रिड पैटर्न था इनका स्ट्रीट का. ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रीट्स थी वो कट करती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे. अब ये राइट एंगल पे ही एक दूसरे को कट कर रही हैं सारी स्ट्रीट्स, तो यही बताने की कोशिश कर रहा है. तो ये चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहला ग्रिड पैटर्न था, दूसरा कि हर स्ट्रीट जो है राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही थी, दस डिवाइडिंग द सिटी इंटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. अब ये सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं तो हमें इस चीज़ से क्लियर दिख रहा है इमेजेस में, ठीक है. ये हमें दिखाता था एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, कि उस टाइम पे मेजरमेंट था तभी वो एक ही साइज़ के जो घर थे सबके रेक्टेंगुलर शेप में वो बनाए जाते थे. एंड अर्बन प्लानिंग ऑफ हरप्पन पीपल, ठीक है, इनकी अर्बन प्लानिंग थी हरप्पन पीपल की जो उस टाइम पे रहते थे. तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, हमने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है. तो ड्रेनेज सिस्टम है कि पानी कैसा निकलता था, जैसे कि लोग वॉशरूम जा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो वो पानी का बहने का तरीके से आज भी हम देखते हैं कि नाले बने हुए थे. तो ये आज की ही टाउन प्लानिंग नहीं है, ये बहुत पहले से हरप्पन सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है, इसलिए हम उसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं कि उस टाइम पे भी शहरीकरण था, हमसे ज़्यादा एडवांस थे वो लोग. ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें, जो ड्रेन्स था इनका कनेक्टेड करता था ऑल हाउसेस से, जैसे आज भी हमारे हर घर से जो पाइप जाती है जिससे पानी सारा पास होता है, तो ये उस टाइम पे भी था. सारे घरों से जो है कनेक्ट था ड्रेन, वर मेड अप ऑफ, अब किससे बना हुआ था, मोर्टार से, लाइम से और गिम्सम से. ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी ड्रेन्स कनेक्टेड थे सारे हाउसेस से वो किस चीज़ से बने हुए थे, अगेन मोर्टार, लाइम और जिम्सम. तो ये ध्यान रखना है आपको. एंड कवर्ड विद लार्ज ब्रिक स्लैब्स, तो ब्रिक के स्लैब से कवर किया जाता था उसको फॉर इजी क्लीनिंग के लिए, कि वो ब्रिक की स्लैब हटा के वो उसे क्लीन कर सके अगर कुछ पानी फंस जाता है तो, ठीक है. तो आपको दिख रहा है कि उस टाइम पे कितने एडवांस टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास थी. इन्हें पता था कि पानी को किस तरीके से निकालना है, और कभी मान लो पानी जाम हो गया तो उसको साफ करने के लिए वो ब्रिक की स्लैब रखते थे कि ताकि जब वो जाम हो तो उसको उठा के ये क्लीन कर सके. तो ये दिखाता था हरप्पन पीपल पेड ग्रेट अटेंशन ऑन हेल्थ एंड सैनिटेशन. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, आपको पूछेगा एडमिनिस्ट्रेशन था, सोशल हायरार्की थी, हेल्थ और सैनिटेशन पे फोकस किया गया था, हाँ किया गया था, ठीक है. और अर्बन प्लानिंग का मैं बता चुकी हूँ कि मेजरमेंट था, मेजरमेंट भी आपको इसमें ध्यान रखना है. ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ये नोट कर लेना एग्जाम में, एज इट इज पॉइंट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन. हाउस की अगर हम बात करें तो दे वर ऑफन ऑफ टू और मोर स्टोरीज. तो जो हाउस थी वो दो या फिर मोर स्टोरीज की हुआ करती थी, यानी बिल्डिंग्स पूछ रहे, मंजिलें पूछ रहे कितनी मंजिल की थी, लेकिन विंडो नहीं होती थी जो कि फेस करती थी स्ट्रीट्स को. अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका घर है, ये जो इनकी जो खिड़कियाँ होती थी वो स्ट्रीट यानी कि रोड की तरफ नहीं खुलती थी, कि रोड पे आपको दिखाई दे, स्ट्रीट साइड पे नहीं इनकी विंडो ओपन होती थी. और कहीं ना कहीं जो इनका घर है वो दो या मोर स्टोरीज का हुआ करता था, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ओपन द सेकेंड स्टोरी जो है वॉज मेड ऑन फर्स्ट वेन इट हैड सब्सिडाइज्ड. कहने का मतलब है कि जो सेकेंड फ्लोर बनता था, सेकेंड स्टोरी उस टाइम पे बोलते थे, वो फर्स्ट के बनने के बाद उसके ऊपर बनती थी. इट शोज हरप्पन इनहैबिटेड द प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल क्या था इनका, तो जो बिल्डिंग पे ये यूज़ करते थे, किस तरीके से ये मेजरमेंट करके चीज़ों को यूज़ किया करते थे, तो स्टैंडर्डाइज्ड मतलब अच्छे वाली क्वालिटी का बर्नट ब्रिक्स, ठीक है. ये ध्यान रखना है, बंट ब्रिक्स टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. और रेशियो क्या होती थी उसकी, 1:2:4. ये रेशियो से क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये नया क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे भी आने के चांसेस हैं, कि जो उनके बंट ब्रिक्स थे उसका रेशियो हुआ करता था 1:2:4 फाउंड इन ऑल साइड्स, यानी कि सारे साइड्स में मिला गया है, कोई स्टोन यूज़ नहीं किया गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में बंट ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, स्टोन का यूज़ नहीं किया है बिल्डिंग बनाने में. वहीं अगर हम इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात करें तो उस टाइम पे मड ब्रिक्स और स्टोन का यूज़ किया गया है. तो इजिप्ट सिविलाइजेशन में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कन्फ्यूजन नहीं लेना है. इट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड वेट, यानी कि वेट था मेजरमेंट करने के लिए, एक मेजरमेंट सिस्टम था. एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. अब अगर हम सोसाइटी की बात करें कि सोसाइटी कैसी थी इनकी,
तो डिवीजन ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो जो हरप्पन सोसाइटी थी वॉज एन अर्बन सोसाइटी, ये एक अर्बन सोसाइटी थी यानी कि शहरी वाली सोसाइटी, जो शहर में हम जैसे रहते हैं वैसी सोसाइटी थी, एंड कॉम्प्राइज्ड ऑफ एट लीस्ट 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स। तो समाज में इनके 3 तरीके के ग्रुप्स थे, एक रूल्ड यानी कि जो रूल करते थे, एक होते थे रिच मर्चेंट्स यानी अमीर लोग, और होते थे पुअर लेबर्स। तो 3 पार्ट में इनका सोशलिज्म जो है ये डिवाइड था, हु लिव्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। तो जो पुअर लोग लेबर्स हुआ करते थे वो लोअर पार्ट यानी कि ईस्टर्न साइड वाले पार्ट में सिटी के रहा करते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस हम क्या था देखते हैं इसके बारे में, कि ये शो करता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन हरप्पन सोसाइटी, कि हाँ अमीर और गरीब के बीच में थोड़ा भेदभाव था, कि अमीर जो है वो ऊपर उठे हुए डिवीजन में रहते थे और जो लोअर क्लास के थे वो ईस्टर्न साइड लोअर पार्ट ऑफ सिटी में रहते थे। इट ऑल्सो शोज दैट हरप्पन हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो ये हम बात कर चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्लोथिंग कपड़े कैसे पहनते थे, तो हरप्पन पीपल जनरली वोर गारमेंट्स ऑफ कॉटन एंड वूल। तो कॉटन और वूल के गारमेंट्स पहनते थे ये। इट शोज एडवांसमेंट ऑफ वेविंग ऑफ कॉटन, तो कॉटन की वेविंग का एडवांसमेंट तब से ही चलता आ रहा है और वूल का भी, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइस यानी कि चॉइसिस थी लोगों के पास, ये नहीं कि आपको एक ही तरीके के कपड़े पहनने हैं, नहीं आपके पास काफ़ी चॉइसिस थी उस टाइम पे। तो फैब्रिक की बात करें क्लोथ्स तो काफ़ी एडवांस थे उस टाइम पे। फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने के लिए इनके पास क्या क्या था, क्योंकि बहुत चेंज आएगा प्री हिस्टोरिक एरा से यहाँ पे। तो हरप्पन सोसाइटीज जो सिंध और पंजाब वाला एरिया है वो लार्जली कंज्यूम करते थे वीट बार्ले, वाइल दोज ऑफ रंगपुर, देखिए पंजाब वाले वीट और बार्ले यूज़ करते थे और रंगपुर वाले जो है और सुरकोतड़ा वाले ये राइस और मिलेट्स को कंज्यूम करते थे। मैंने क्या बोला, पंजाब वाले वीट और बार्ले कंज्यूम करते थे और जो रंगपुर के और सुरकोतड़ा वाले थे ये कंज्यूम करते थे राइस और मिलेट्स। तो ये ध्यान रखना है। फिश और मोल्यूसिस जो है ईटिंग वॉज ऑल्सो कॉमन डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्शन उस टाइम पे था। ये ध्यान रखना है आपको कि फिश और मोल्यूसिस ये सब मिलते थे, कॉमन थे और डेयरी प्रोडक्शन बहुत कॉमन था वहाँ पे। एविडेंस मिले हैं हैज़ बीन फाउंड बाय द रीसेंट मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ कोतड़ा भादली गुजरात में। हमें डेयरी प्रोडक्शन का ये रीसेंट स्टडी है कि हमें पता चला है कि जो डेयरी प्रोडक्शन है फिश मॉसल्स ये सब हमें कहाँ से पता चला है कि वहाँ पे उस टाइम पे खाए जाते थे, तो ये कोतड़ा भादली है जो कि गुजरात में है वहाँ से ये हमें पता चला है। तो इसके जो सिग्निफिकेंस थे वो क्या थे कि जो अर्बन सेटलमेंट था नियर रिवर वैलीज़ के पास, जो भी रिवर वैलीज़ के पास जो लोग रहते थे वो प्रोवाइड करते थे फर्टाइल ग्राउंड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स यानी कि एग्रीकल्चर अच्छे से उस टाइम पे लोगों को पता था कि क्या है, फर्टाइल लैंड यानी रिवर वाले एरिया के आसपास ये बसे रहते थे ताकि पानी का जहाँ से इनको अच्छे से यूज़ हो सके खेती करने में। हरप्पन वर एडवांस्ड इन देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड होता है आपका कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है ध्यान रखना है आपको। तो अब आते हैं हम इनके रिलीजन पे कि इनका रिलीजन यानी कि धर्म क्या था, कुछ था क्या उस टाइम पे। तो ये जो बिलीव करते थे नेचर वर्शिप, मार्क कर लेना इसको कि ये लोग नेचर वर्शिप में बिलीव करते थे, कोई इनका वैसा कुछ गॉड गॉडेसेस नहीं था। तो नेचर वर्शिप गॉड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज सच एज पीपल, तो पीपल के पेड़ की उस टाइम पे पूजा होती थी ये ध्यान रखना है आपको, और एनिमल्स की होती थी जो कि बुल यानी कि गाय की बात हो रही है, तो यानी कि उस टाइम पे एनिमल्स यानी कि बुल की पूजा होती थी। आइडियोलेट्री हम बात करें वॉज प्रिवेलेंट, दे ऑल्सो वर्शिप्ड मदर गॉडेस। मदर गॉडेस कौन थी हमारी, पशुपति योगी, लॉर्ड ऑफ कैटल, कैटल की लॉर्ड को मतलब वो बोलते थे कि लॉर्ड ऑफ कैटल है हमारी पशुपति योगी, जहाँ से इनको डेयरी का प्रोडक्ट मिलता था, दूध मिलता था, तो उसको ये मदर गॉडेस के उससे वर्शिप करते थे। एंड फेलिक सिम्बल्स, तो कुछ सिम्बल्स इन्होंने अपने बना रखे थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हरप्पन्स वर कॉल्ड सेकुलर सोसाइटी, सेकुलर सोसाइटी मतलब सबको आज़ादी थी अपने अपने धर्म को चुनने की, एंड हैज़ नो टेम्पल, तो ऐसी सेकुलर सोसाइटी थी जिसमें कोई टेम्पल नहीं था एक्सेप्ट फॉर द ग्रेट बाथ। देखिए हमने सुना है कि मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ देखने को मिला है जिसमें लोगों को हम ऐसे मानते हैं जैसे आज के टाइम पे जो छठ पूजा होती है उस टाइप की ही कोई रिलीजन हुआ करती थी, कि बड़ा पानी था वहाँ पे और लोग वहाँ पे एंटर होते थे, प्रॉपर सीढ़ियाँ बनाई हुई थी ब्रिक्स से यूज़ करके, उसमें पानी निकलने का पानी जाने का सारा रास्ता बनाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसको एक रिलीजन या फिर किसी एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप बोल सकते हो, कोई रिचुअल एक्टिविटी हो सकती है उसके लिए यूज़ किया गया होगा। तो टेंपल नहीं था लेकिन ग्रेट बाथ को इन्होंने एज अ कुछ रिलीजियस पर्पज से ही माना है कि उस टाइम पे कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज इसमें होती होंगी, और रिलीजन हैव बीन फाउंड अनलाइक इन अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। ठीक है, बिलीव क्या था इनका, तो हरप्पन्स बिलीव्ड इन सिविल फोर्स, इविल फोर्स में ये बिलीव करते थे यानी कि
इविल फोर्सेस यानी शैतानी चीज़ों में, भूतों में इनका बिलीव था ऐसा कहा जाता है, और ये यूज़ करते थे एम्यूलेट्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैम। तो किसका यूज़ करते थे? एम्यूलेट्स का, ठीक है। दिस वॉज ट्रू अबाउट मोस्ट ऑफ द प्रिमेटिव सोसाइटी। तो स्टार्टिंग की जो प्रिमेटिव यानी स्टार्टिंग की जो सोसाइटीज थी उनमें ये बहुत बिलीव था इविल्स फोर्सेज और घोस्ट वगैरह के बारे में, कि ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करते थे, तावीज़ वगैरह चीज़ों का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज कैसी थी। मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, तो अगर आप ये देखेंगे, यू कैन ड्रॉ सच रिप्रेजेंटेशन फॉर मेंस एग्जाम। तो आप इसको मेंस के एग्जाम के पर्पज से भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, ये इमेज इतनी टफ है नहीं, बना सकते हो, आपको इससे मार्क्स मिलेंगे। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स बना के हमें मिली है, पिक्चर्स के रूप में मिली है, एंड लोगो यानी कि लोगों के थ्रू आप देख रहे हैं अलग अलग साइंस पिक्चर्स बने हुए हैं। तो ईच सिंबल स्टूड फॉर अ वर्ड, तो हर एक सिंबल कुछ ना कुछ वर्ड बताता है जिसको हम अभी पढ़ने में अभी इतने एबल नहीं हुए हैं। यूजिंग साइंस ऑफ बर्ड, ठीक है, फिश मोस्ट रिपीटेड, फिश को बहुत बार यूज़ किया, देखिए फिश का है, बर्ड्स की इमेजेस काफ़ी मिली हैं, ह्यूमंस की मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने स्क्रिप्ट लैंग्वेज में यूज़ करी है। ये एक एक चीज़ ध्यान रखना कि क्या क्या मिला है, ठीक है। पिक्टोग्राफी का सबसे पहले ये लोगो यूज़ किया है, सिंबल यूज़ किया है इन्होंने जिसमें बर्ड्स हैं, फिश हैं, ह्यूमंस हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हड़प्पा की जो राइटिंग है वॉज बस्ट्रोफेडन राइट टू लेफ्ट, बहुत बार एग्जाम में आया कि हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट मिली है वो कैसे लिखी गई है, तो पहले वो लिखी गई है राइट टू लेफ्ट। देखिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले लेफ्ट से राइट, और हमेशा हम लेफ्ट से राइट ही लिखते हैं, लेकिन हड़प्पन में क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया, राइट टू लेफ्ट गए, फिर नीचे आके फिर आप लेफ्ट से राइट जाते हो, फिर आप राइट टू लेफ्ट आते हो, फिर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो वो ऐसे लिखते थे, ठीक है, अल्टरनेटिव लाइंस में लिखते थे, तो ये ध्यान रखना है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है डिसअपियर्ड हो गई थी कब, 1700 BCE के बाद आसपास, शोइंग द लैक ऑफ परकोलेशन ऑफ द राइटिंग ऑफ IVC टू अदर सिविलाइजेशन। तो अभी भी आज भी लोग जो हैं इसको पढ़ने में अच्छे से एबल नहीं हो पाए हैं। रिसेंट थ्योरीज हमें बताती हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन एंशंट तमिल, तमिल की उस स्क्रिप्ट में और हड़प्पन की स्क्रिप्ट में, तो ऐसा बोला जा सकता है कि क्या पता हड़प्पन सिविलाइजेशन साउथ में भी था उस वक्त, पर अभी कुछ ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है। बट अंटिल द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज डेसिफर्ड द कंक्लूजन कैन नॉट बी मेड, ठीक है, क्योंकि अब तक इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि तमिल में यानी कि साउथ मोस्ट टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन था या नहीं था। ऑल्सो द वेरियस एविडेंस ऑफ अ कॉमन स्क्रिप्ट पॉइंट्स टू अ ग्रेट कल्चर इंटीग्रेशन टू ड्यूरिंग IVC, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि क्या हम उसको पढ़ पाए हैं, नहीं अभी तक भी एबल नहीं है, और हम नहीं बोल सकते कि साउथ में भी उस टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन था। बस आगे ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ही लिखते थे, और क्या मिला है यहाँ पर, सिंबल से हमें पता चलता है, पिक्टोग्राफिक है, बर्ड्स फिशेज और ह्यूमंस के इन्होंने डायग्राम्स बनाए हैं उससे हमें पता चलता है, ठीक है। अब हम बरियल प्रैक्टिसेस, बरियल प्रैक्टिस क्या होते हैं कि कुछ दफनाए हुए लोग मिले होंगे, उनकी हड्डियां मिली होंगी बरियल साइट्स ऑफ IVC जब एक्सकोवेटेड यानी कि जब खुदाई हुई होगी उस एरिया की, तो ऐसी कुछ डेड बॉडीज़ उनको फाउंड हुई हैं, जो खैर अभी तो कंकाल के रूप में ही मिली होगी। तो डेड बॉडीज़ वर प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इस तरीके से बॉडीज़ को लिटाया जाता था, जो डेड बॉडीज़ मिली हैं, एक्सटेंडेड इनह्यूमिटेशन। तो एंड वर अकम्पेन्ड बाय फूड, इनके पास फूड रखा मिला, मतलब कुछ चीज़ें मिल गई होंगी, पोट्री ज्वेलरी, तो इनके साथ ही सारी चीज़ें दफनाई जाती थी, इनको जलाया जाता था। द ग्रेवयार्ड वॉज विद इन द सेटलमेंट, दे प्रैक्टिस थ्री टाइप ऑफ बरियल। अब तीन तरीके के बरियल ये प्रैक्टिस करते थे, पहला था कंप्लीट बरियल, पूरा इंसान को वो जलाते थे जैसे आज के टाइम पे भी फॉलो होता है। फिर था फ्रैक्शनल बरियल, फ्रैक्शनल क्या होता है कि बरियल्स ऑफ बोन्स आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू बर्ड्स एंड बीस्ट। तो यानी कि ये क्या करते थे, ये फ्रैक्शन यानी कि चीज़ों में टुकड़ों में एक तरीके से करते थे कि बोन्स को जलाते थे जब ये इनकी जो बॉडी है एक्सपोज कर देते थे ये पहले बर्ड्स और बीस्ट में। कहने का मतलब है कि चील कौ के पास ही रखते होंगे इनकी बॉडी के मरने के बाद, जब वो खा जाते थे तो उसके बाद इनकी बॉडीज को जलाया जाता था, ऐसा माना गया है। और फिर क्रीमेशन फॉलोड बाय बरियल टू द एशेज, तो ये तीन चीज़ें थी जो ये फॉलो करते थे ऐसा माना जाता है। इट शोज़ देयर स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो ऐसा बोला गया है, हमने प्री हिस्टोरिक एरा में भी पढ़ा है कि वो लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। कहने का मतलब है कि ऐसी लाइफ जिसमें हम मरने के बाद भी हम जीते हैं, उस लाइफ में ये बिलीव करते थे, विच वॉज सिमिलर टू द बिलीफ सिस्टम ऑफ द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। However, the items kept were not as expensive as other civilization. तो जो items मिले हैं वो काफ़ी expensive नहीं थे, जैसे हमने सुना है कि पहले ज्वेलरीज रखी जाती थी लोगों के मरने के बाद, उनके बगल में फूड रखा जाता था, पोल्ट्री रखी जाती थी कि मरने के बाद ये खाना खाएंगे अपनी ज़िंदगी जियेंगे, तो ऐसी चीज़ें पहले हुआ करती थी।
तो ये ना कुछ इमेजेस हैं जिसे आपको देखना है, कुछ फिक्स है पिक्स हैं जो कि रिलीजियस स्ट्रक्चर बताता है हमें आईवीसी के बारे में, ठीक है। तो क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसा कुछ रफ स्केच दिखाने के लिए कि कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ जिनकी ये पूजा करते थे, कि मेंस एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेंगी। ये पशुपति हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, पशुपति इन योगी पोजिशन सील, योगी यानी कि योग के उसमें मिली है पोजिशन में कि योग कर रहे हैं वो, जो कि हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है, ये ध्यान रखना है। मदर गॉडेस की पिक्चर हमें मिली है, जो हमने बताया था कि कैटल गॉडेस माना जाता है कि वो जो कैटल्स हुआ करते थे उनकी गॉड है, और उन्हीं के थ्रू इनको डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध वगैरह मिलता था, तो इसलिए इनकी पूजा होती थी। पॉसिबल जो स्कल्पचर था ऑफ प्रीस्ट का, एक प्रीस्ट मिले हैं हमें, इनके बारे में काफ़ी बातें की गई हैं कि इनकी बियर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, विथ टेरफॉइल ड्रैप यानी कि एक शॉल इन्होंने ओढ़ा हुआ है, इसके बारे में भी डिटेल में आता है। तो ये भी हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल थी, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, जो कि आज भी इंडिया में काफ़ी हद तक है। मेन क्रॉप्स जो थे इनके वीट क्रॉप्स याद रखने हैं, बार्ले और राइस, ये हमें कहाँ मिले हैं, लोथल रंगपुर में, ठीक है। और डेट्स और मस्टर्ड और कॉटन जो है ये वर्ल्ड में पहली बार कहाँ मिले हैं, यहाँ मिले थे। दोबारा पढ़ती हूँ, मेन क्रॉप्स वर वीट बार्ले और राइस फाउंड इन लोथल एंड रंगपुर ओनली। तो रंगपुर और लोथल में ही हमें क्या मिले थे, वीट राइस और बार्ले, इनके जो तीन जो क्रॉप के हमें एविडेंस मिले हैं ये सिर्फ इन दोनों जगह से ही मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और डेट्स जो हम बोलते हैं उसको, खजूर और मस्टर्ड और कॉटन, तो ये पहली बार वर्ल्ड में मिले थे, ठीक है, तो ये भी इसी टाइम मिले थे आईवीसी के टाइम पे, ध्यान रखना है। इट शोज़ द एडवांसमेंट ऑफ हरप्पन्स इन एग्रीकल्चर, ये दिखाता है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन था उसमें जो एग्रीकल्चर है बहुत एडवांस लेवल पे थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, कि वुडन प्लफशेयर का यूज़ करते थे लकड़ी के बने हुए, वेल इरीगेशन था इनके पास, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वेल इरीगेशन को क्या बोला गया है, तो अलादीनो बोला गया है, तो अलादीनो टर्म से कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसको हम बोलते थे कि वो वेल इरीगेशन है, कि वेल को यानी कि कुएं को भी बोला गया है, ठीक है, तो उससे ये खेती करते थे, तो अलादीनो बोलते हैं हम उन्हें। डैम्स था उस टाइम पे इरिगेशन, मतलब खेती करने के लिए इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए थे वो, जो कि हमें धोलावीरा में मिले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम पे किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, तो टेराकोटा जो है ये हमने बहुत बार सुना है एग्जाम में कि टेराकोटा की उस टाइम पे बहुत फेमस था, तो फिगराइन मिलती थी यानी फिगर्स बनाए जाते थे टेराकोटा से, जो कि एनिमल्स के बनाए गए थे, एक एक चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल्स आ जाती हैं एग्जाम में लाइन्स में। तो एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे, फीमेल की फिगर्स मिली हैं, मेल फिगराइंस मिली हैं, बैंगल्स और सील्स, ये हमें किसके बने हुए मिले हैं, टेराकोटा के बने हुए मिले हैं। आर्ट ऑफ बीड मेकिंग्स, तो बीड मेकिंग्स क्या होती है, मोतियों से बनी हुई कोई माला मिल गई इनको, तो उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ बीड मेकिंग्स। तो ये हमें कहाँ मिले हैं, ये छानुदारो और लोथल में मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लोकेशंस ध्यान रखना है कि छानुदारो कहाँ है, लोथल कहाँ है। और गोल्ड की ज्वेलरीज मिली है, सिल्वर की ज्वेलरीज मिली है हमें, तो यानी कि उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर का काम होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अगर हम एग्जांपल बात करें एट अलादीनो, अलादीनो एक जगह है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, कि जो वेल इरीगेशन का जो हमें सोर्स मिलता है, एविडेंस मिलता है, वो अलादीनो से मिलता है। और डैम्स और इरीगेशन कैनाल के बारे में हमें धोलावीरा से पता चलता है, ये नोट कर लेना दोनों पॉइंट। तो अलादीनो जो है, अलॉट ऑफ नेकलेस थे यहाँ पे, यहाँ से हमें बहुत सारे नेकलेस भी मिले हैं, मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, यानी कि कुछ प्रीशियस स्टोन हुआ करते थे, सेमी प्रीशियस स्टोन, उसके बने हुए कुछ ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स मिले हैं हमें। तो क्या क्या ऑर्नामेंट्स मिले हैं ये ध्यान रखना है, किस चीज़ के बने हुए ऑर्नामेंट्स मिले हैं ये इंपॉर्टेंट है, फिगर्स किस किस की थी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, और कौन सी जगह पे मिले हैं, क्या मिला है वो ध्यान रखना है। जैसे बीड मेकिंग छानुदारो और लोथल में मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो अलादीनो में हमें नेकलेस मिले हैं गोल्ड सिल्वर और सेमी प्रीशियस स्टोन के। लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा आर्टिकल्स शोज दैट इट वॉज यूज बाय कॉमन पीपल, यानी कि कॉमन पीपल के द्वारा यूज किया जाता था। ऑल्सो हरप्पन्स वर गुड एट मेटलग्री एंड प्रोड्यूसिंग अलॉयज, तो अलॉयज प्रोड्यूस करते थे ये लोग, देवर स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, तो किस टास्क में ये स्पेशलाइज करते थे हम आगे पढ़ेंगे इसको। ये बात हो रही है किसकी, किस में ये स्पेशलाइज थे, गोल्ड स्मिथ में, ब्रोंज स्मिथ में, ब्रिक मेकर्स, तो ये सारी चीज़ों में ये स्पेशलाइज्ड थे मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जो काफ़ी सारा जो कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे, तो डोंट मीन टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस बट इट वॉज देयर कल्चरल प्रेफरेंस इन ऑल लाइकलीहुड, तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हमें ये नहीं दिखाते कि इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी थी,
या फिर ये बैकवर्ड थे, ऐसा नहीं था। ये इनका कुछ कल्चरल प्रेफरेंस था जिसको ये पसंद करते थे, इसलिए ये ज़्यादातर, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा है कि गोल्ड भी था सिल्वर भी था, लेकिन जो ज़्यादातर चीज़ें हमें आर्ट की मिली हैं वहाँ से वो कॉपर की ही मिली थी। तो ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका इस जो इंटरेस्ट है, जो कल्चर था, वो ज़्यादा इसी चीज़ को फॉलो करता था। अब नेक्स्ट हम देखें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो हरप्पन डिडंट यूज़ आयरन। तो आयरन के बारे में क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार कंफ्यूज़ किया गया है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें आयरन की चीज़ें मिली हैं, तो आयरन नहीं था, बट वो क्या यूज़ करते थे, कॉपर ब्रोंज एज भी बोला गया है हरप्पन सिविलाइजेशन को, तो कॉपर का यूज़ होता था, ब्रोंज का होता था, सिल्वर और गोल्ड का, ये चार चीज़ें थी जो जो हरप्पन सिविलाइजेशन में यूज़ होती थी, आयरन का नाम नहीं आएगा। द नंबर ऑफ प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स, तो कॉपर का काफ़ी यूज़ होता था यहाँ पे, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वॉज फाउंड इन फार ग्रेटर नंबर, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हमें मिला है देन अलॉयड ब्रोंज वंस, यानी कि ब्रोंज वगैरह से ज़्यादा हमें जो चीज़ें मिली हैं वो कॉपर में मिली हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए हम इसे कॉपर एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं IVC को। हरप्पन्स वर द फर्स्ट यूज सिल्वर इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है सिल्वर का यूज़ कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो वो हरप्पन सिविलाइजेशन में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं पॉटरी के बारे में, तो ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, मैं कह रही थी सेमी प्रीशियस स्टोन के बारे में बताया है, तो ये कुछ स्टोन्स को बीड मेकिंग, जो ये माला बनाते थे, इसका यूज़ होता था, ये हरप्पन्स के टूल्स थे जो कॉपर से यूज़ करके बनाए गए थे, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। पॉटरी की हम बात करें तो ये पॉटरी है IVC की, जिसमें हम ग्रेन को स्टोर करते थे, खाने पीने की चीज़ों को, तो ये उसके लिए यूज़ होता था, जो हरप्पन थे वो यूज़ करते थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि जो हरप्पन के टाइम पे जो पॉटरी यूज़ होती थी ग्रेन को स्टोर करने के लिए, वो उस पर क्या, हम किस तरीके से हम पेंट करते थे, किस चीज़ का कलर यूज़ हुआ है, तो वो क्वेश्चन में आता है। तो हरप्पन यूज्ड रेड एंड ब्लैक पॉटरी, तो रेड और ब्लैक पॉटरी को यूज़ करते थे, जिसमें हम बोलते हैं कि रेड वेयर पेंटेड था विद ब्लैक डिज़ाइन। तो आपको दिख रहा है, तो ये धुंधला हो गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि रेड कलर का होता है और उस पर ब्लैक कलर से ये डिज़ाइन या चित्र बनाया करते थे। वो भी चित्र किसके होते थे, नॉर्मल एनवायरनमेंट के, नेचर के, ठीक है, नेचर में जो ये देखते थे उसी से सीखते थे, जैसे कोई एनिमल हो गया, कोई पेड़ हो गया, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा करते थे वो बनाते थे ये लोग। एंड ऑल्सो न्यू द यूज़ ऑफ पॉटर व्हील विद ईज, तो पॉटर व्हील के बारे में भी इनको पता था उस टाइम पे, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज़ द एक्सपर्टाइज ऑफ हरप्पन्स इन पॉटरी मेकिंग, तो यही दिखाता है कि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपर्ट थे पॉटरी बनाने के उसमें। और जो एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका, जो ग्लेज्ड पॉटरी है हरप्पा का, वो काफ़ी फेमस है, इनसाइज्ड पॉटरी है, ये एग्जाम्पल नहीं आएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि इनके पास पॉटरी मेकिंग का एक्सपर्ट था ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ट्रेड की बात करेंगे कि अगर इकोनॉमी हमारी जो है एग्रीकल्चर, जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो कहीं ना कहीं ट्रेड भी उस टाइम पे होता होगा, लेकिन ट्रेड होता किस तरीके से था वो देखना है हमें। तो मेसोपोटामियन का सिलेंडर सील फाउंड एट मोहनजोदारो, तो कहा जा रहा है कि जो मेसोपोटामियन में जो सिलेंड्रिकल सील यूज़ होता था वो मोहनजोदारो के साइट पर हमें पाया गया है, तो ये दिखाता है ट्रेड रिलेशन ऑफ IVC विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया से IVC का जो है ट्रेड चलता था, इसलिए जो वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो सिलेंड्रिकल सील है, नाम याद रखना है कि सिलेंड्रिकल सील जो है ये मोहनजोदड़ो की साइट में पाया गया था। हरप्पन हैड ट्रेड विद मेसोपोटामियन, ठीक है, जिसको हम सुमेरिया भी बोलते हैं, अगर सुमेरिया आ गए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सेंट्रल एशिया के साथ था, पर्शिया के साथ था, अफगानिस्तान, मकान यानी कि ओमान, ओमान का पहले नाम मकान था, एंड दिलमुन यानी कि बहरीन, ठीक है। ट्रेड वॉज थ्रू द बार्टर सिस्टम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड होता था, यानी कि आप एक चीज़ दीजिए उसके बदले में वो आपको कोई चीज़ देंगे, लेकिन पैसे का कोई लेन देन उस टाइम पे नहीं था, तो कोई कॉइन या कोई भी ऐसा मतलब कि आपको कोई नोट दिया गया हो, कोई कॉइन की तरह आप यूज़ करते हो, या गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता था वहाँ पे, पैसा, पैसे जैसा कोई वर्ड नहीं था, आपको बार्टर सिस्टम था कि आप एक अपनी खेती, मान लो आप चावल उगा रहे हो तो आप चावल दे रहे हो, सामने वाला आपको उसके बदले वीट दे रहा है, तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम करके ये रिलेशन ट्रेड का करते थे। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट आइटम क्या थे, कि क्या एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से बाहर या फिर IVC के बाहर, तो वो था टीक ऑब्टेंड फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात से टीक लिया करते थे, और क्या था, और एमेजोनाइट था। नेक्स्ट देखते हैं हीरापुरी से, हीरापुरी था जो कि गुजरात में था, स्लेट का ये ट्रेड करते थे जो कि कांगड़ा में था, लीड का जो कि कश्मीर और साउथ इंडिया से हुआ करता था, कॉपर ये कहाँ से थे एक्सपोर्ट करते थे, बलूचिस्तान और राजस्थान से, और खेतरी माइंस, ठीक है, वहाँ से ये सब कॉपर का एक्सपोर्ट किया करते थे। इम्पोर्ट के क्या आइटम्स थे जो हम बाहर से मंगाते थे, वो था जेड जो कि हम सेंट्रल एशिया से मंगाते थे,
टर्कुइस मंगाते थे हम कहाँ से, खुरासन से, और लैपिस लूजली, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये अफगानिस्तान से हम मंगाते थे. गोल्ड वॉज ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम ईरान. तो गोल्ड जो है ईरान से भी, कोलार माइंस जो कर्नाटक है वहाँ से भी मिलता था, और ईस्ट स्टीटाइट से क्वेश्चन कई बार आया है जो कि हम ईरान से मंगाते थे. तो ये इम्पोर्ट के आइटम्स हैं. इम्पोर्ट आइटम्स और एक्सपोर्ट आइटम्स को मिक्स नहीं करना, ये अलग अलग आपको एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन. इट वॉज द एडवांस्ड ट्रेड रिलेशनशिप ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ये एडवांस्ड ट्रेड वो था हमारा, कि उस टाइम पे भी मतलब ये बार्टर सिस्टम इतनी दूर दूर की कंट्रीज के साथ इनका चल रहा था. विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑल्सो विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन. तो अभी तक हमें सिर्फ मेसोपोटामियन के बारे में पता है, और किसी के साथ आपको नाम नहीं जोड़ना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हड़प्पा का जो सील हुआ करते थे वो पाए गए हैं सूसा में, उर में और निपुर में, जो कि मुसोपोटामिया, सॉरी मेसोपोटामियन की बात हो रही है. यानी कि अगर मेसोपोटामिया का जो सिलेंड्रिकल सील है वो इंडिया में, यानी कि आईबीसी में पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में, तो हड़प्पा के जो सील थे जो कि सूसा है, उर है, निपुर है, ये हमें मेसोपोटामिया में भी मिले गए हैं, तो ये ध्यान रखना है. पर्शियन गल्फ में भी हमें मिला है हड़प्पा के सील. तो मेसोपोटामिया में और पर्शियन गल्फ में ट्रेड का हमें साफ साफ पता चल रहा है. तो मेसोपोटामियन के जो थ्री सिलेंड्रिकल सील हैव बिन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो. देन तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से, वहाँ का क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ मिला है और यहाँ का कौन सा प्रोडक्ट हमें वहाँ मिला है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है. वेट और मेजरमेंट मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर शेप में इनके हाउस जो कट हुआ करते थे, और जो इनकी विंडो थी वो स्ट्रीट की साइड में ओपन नहीं होती थी, तो वो क्यों था? क्योंकि इनके पास मेजरमेंट का कुछ तो औजार रहा होगा जिससे ये मेज़र करते होंगे कि एग्जैक्ट राइट एंगल पर इनकी स्ट्रीट्स जो है कट होती थी, ग्रिड पैटर्न जो था. तो ये दिखा रखा है कि कॉपर बैलेंस ऑफ मोहनजोदाड़ो, तो ये कॉपर की चीज़ें हुआ करती थी बैलेंस करने के लिए. आज भी हमने, आज के टाइम पे तो खैर ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन 90s के बच्चों ने ये ज़रूर देखा होगा, इसको यूज़ किया करते थे. और ये वेट मेजरमेंट हुआ करते थे इतने बड़े बड़े, किसके? आईवीसी के टाइम के. तो वेट फॉलो करते थे अब बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम में क्या आता है? 1, 2, 8, 16, 32 to 64, 160. तो इस तरीके से जो है बाइनरी सिस्टम से इनके जो वेट थे वो फॉलो होते थे. वेट वर मेड ऑफ चर्ट्स, लाइमस्टोन एंड स्टीटाइट के बने हुए थे जो वेट ये बनाते थे, ये वाले, ठीक है. एंड वर जनरली क्यूबिकल, क्यूब के फॉर्म में बने होते थे ये. द मेजर ऑफ लेंथ वॉज बेस्ड अपॉन अ फुट, जो कि इनकी जो मेजरमेंट की हम लेंथ की बात करें वो कितनी होती थी क्यूब की? 37.6 सेंटीमीटर. एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि 37.6 सेंटीमीटर में इनका जो बना होता था एक क्यूबिट, यानी कि क्यूब के फॉर्म में. दी स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट थ्रू आउट द आईवीसी वर रिमार्केबल. काफ़ी अच्छी क्वालिटी और डिज़ाइन में इन्होंने बनाया था, उसी की बात हो रही है ये. फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो सील्स की बात हो रही है कि क्या सील ये यूज़ करते थे. ये हरप्पन की सील है जहाँ पे एक हाथी का डिज़ाइन बना हुआ है, फिश बनी हुई है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि हरप्पन की सील्स में किस किस के डायग्राम बने हुए हैं. बुल के डायग्राम बने हुए हैं, फिश है यहाँ पर, बर्ड्स के डिज़ाइन है, एलिफेंट है. तो इससे एनिमल्स का पता चलता है कि उस टाइम पे ये एनिमल्स उस टाइम पे हुआ करते थे. तो हरप्पन सील्स आर मेड अप ऑफ स्टीटाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सॉफ्ट स्टोन को हम बोलते हैं स्टीटाइट. साइज क्या होते थे? हाफ एन इंच, यानी कि 2.5, हाफ इंच से लेके 2.5 इंच तक के ये इनके जो साइज हुआ करते थे इनके सील के. और शेप जो है जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हुआ करती थी. तो अब तक हमने देखा कि हरप्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप की ही बात हुई है, चाहे वो घर की शेप देने की बात हो या फिर सील्स की बात हो. विथ कार्व्ड एनिमल, कार्व्ड का मतलब है कि उस पर नक्काशी की गई हुई थी एनिमल्स की. एंड इंस्क्रिप्शन वॉज यूज हम्पलेस बुल, तो हम्पलेस बुल का यूज़ किया हुआ है. इज़ द मोस्ट यूज एनिमल इन द सील्स, यानी कि सील्स में ज़्यादातर जो है, जो इमेज मिली है कार्व्ड की हुई एनिमल्स की, वो हम्पलेस बुल की मिली है. यहाँ पे दिखा रखा है मैंने दूसरे वाले कॉइन में. हरप्पन सील्स आर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन, तो ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन माना गया है. एंड वर यूज्ड टू मार्क ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन ट्रेड, तो इनके पास एक मार्क था, तो इस पे कहीं ना कहीं मार्क्स होते थे कि आपके पास राइट्स हैं प्रॉपर्टी ट्रेड करने का, आपकी प्रॉपर्टी है. तो इसमें अलग अलग सील्स की अलग अलग पहचान हुआ करती थी. तो ये अगर हम देखें कि इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी थी जो कनेक्ट करते थे एक दूसरे को ट्रेड करने से, तो ये लोथल पोर्ट है जिससे आईवीसी का, जहाँ से ये मेरे ख्याल से ट्रेड होता होगा. दिखाते हैं कि पोर्ट के थ्रू ही ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे, शिप्स हुआ करती होंगी उस टाइम पे जो कि वुडन की थी, लकड़ियों की बनी हुई थी. तो ये है सेंट्रल एशिया वाला एरिया, ये आईवीसी की बात हो रही है. मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ. ये आईवीसी है, ये धोलावीरा है, अमरा, लोथल, रंगपुर, सोमनाथ, तो ये सब गुजरात में है. गुजरात और राजस्थान की बात हो रही है, ये इतना एरिया जो है, ठीक है. फिर आते हैं हमारे पर्शिया, यहाँ पर है. मेसोपोटामिया से हमारा जो ट्रेड होता था वो आप देख सकते हैं कि रन ऑफ कच्छ से हमारी यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड होती थी यहाँ पे, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन यहाँ पर है.
तो इजीली यहाँ पे ट्रेड करना आसान हो गया था। मैंने मैप दिखा दिया, आप देख लेना। अब क्या डिक्लाइन का रीज़न क्या था इनका, तो वो हमें देखना है कि ये डिक्लाइन कैसे हुआ। तो IBC डिक्लाइन आफ्टर 1900 BCE, तो 1900 BCE के बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। किसका? IBC की बात हो रही है। फिर हम बात करेंगे, हाउ एवर रीजन्स फॉर द डिक्लाइन आर स्टिल डिस्प्यूटेड। अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हैं कि कैसे इनका डिक्लाइन हुआ था, बट हाँ कुछ अंदाजे लगाए गए हैं। देर आर वेरियस थ्योरीज, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं डिक्लाइन की, क्या थी हम देखते हैं। तो कॉजेज थे ड्राई ऑफ घग्गर रिवर, तो घग्गर रिवर का ड्राई होना और एरिडिटी यानी कि सूखा पड़ जाना, तो कहीं ना कहीं एक रीज़न था IVS यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन करने का। तो ये किस हिस्टोरियन ने कहा था, क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा हिस्टोरियन था जिसने ये कहा था कि जो IVC है वो घग्गर रिवर के सूखने से यानी कि एरिडिटी सूखा पड़ने की वजह से हुआ था। तो DP अग्रवाल और सूद थे, इन्होंने ये बोला था। फ्लड की वजह से डिक्लाइन हुआ है ये किसने बोला है, मैकवे ने और SR राव ने। लो रेनफॉल यानी कि बहुत कम बारिश हुई थी इसकी वजह से, तो आप ये नाम देख लेना। फेयर चाइल्ड के बारे में आया है कि इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस से इन्होंने बताया था कि ये डिक्लाइन हुआ था। और आर्यन का इन्वेजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि IVC की जो डिक्लाइन हुआ वो आर्यन के इन्वेजन से हुआ, ये किसने बोला है, तो ये व्हीलर और जॉर्डन ने बोला है, ध्यान रखना है आपको। कुछ कहते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से इनका डिक्लाइन हुआ था, वो कौन थे, उन्होंने राइक्स थे और डेल्स थे जिन्होंने कहा था। नेचुरल कैलेमिटी की कहते हैं कि नेचुरली कुछ क्लाइमेट में कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ हुआ होगा, वैसे अर्थक्वेक आया हो, सुनामी आई हो, तो ये किसने बोला है, ये KAR कैनेडी ने बोला है कि इसकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ था। एक रिसेंट स्टडी हमें बताती है कि फाइंडिंग टाइटल्ड न्यू ग्लेशियल क्लाइमेट एनोमलीज एंड द हरप्पन मेटामॉर्फिसिस डन बाय एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट है सजेस्टेड। उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि क्लाइमेट चेंजेस एज द पॉसिबल रीजन। वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये पॉसिबल रीजन हो सकता है डिक्लाइन का IVC के, ठीक है। चेंजेस इन द टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, कहीं ना कहीं बारिश कम हुई होगी और टेम्परेचर राइज हुआ होगा, क्योंकि हमने देखा प्री हिस्टोरिक एरा में पूरा अर्थ जो है वो आइस से कवर था, धीरे धीरे आइस जो है पिघल रही थी और टेम्परेचर वार्म हो रहा था, तो इनको आदत नहीं थी उस टाइम पे ज़्यादा वार्म टेम्परेचर में रहने की, और बारिश कम हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न बताया गया है डिक्लाइन का, लेड टू द डिक्लाइन टू ऑफ मानसून एंड ड्राइंग अप द घग्गर हकरा रिवर। तो घग्गर हकरा रिवर के ड्राई होने का एक रीज़न है, और दिस लेड टू अ डिक्लाइन इन क्रॉप। अब बारिश नहीं हो रही तो क्रॉप में आप खेती कैसे करोगे, और अर्बन हरप्पन सोसाइटी यहाँ पे टर्न हो गई रूरल सोसाइटी में। तो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं इनके इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट्स के, तो हम देखते हैं उसको। हरप्पा ऑन रावी रिवर, तो रावी रिवर में हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात हुई है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम इंडस रिवर की बात करें तो रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, तो ये सारी रिवर्स आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस हिस्से में डिवाइड था। तो हरप्पा की अगर हम बात करें तो जो रावी रिवर के पास था, तो ये थे हमारे दयाराम साहनी, इनको DR साहनी भी बोलते हैं। तो इन्होंने डिस्कवर किया था हरप्पन सिविलाइजेशन को 1921 में। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि हरप्पन सिविलाइजेशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो वो थे दयाराम साहनी। कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पहला इंडस साइट था जो डिस्कवर हुआ वो दयाराम साहनी थे, इन्होंने किया था। टू रोज ऑफ सिक्स ग्रेनरीज, यानी दो रो में हमें सिक्स ग्रेनरीज मिली हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन का हमें पता चला है वहाँ से, और रेड स्टोन मिला है हमें हरप्पा के, उसमें टोरसो की रेड स्टोन से बनाया हुआ था ये रहा, यहाँ पे रेड स्टोन सैंड स्टोन टोरसो ऑफ न्यूड मेल। तो न्यूड मेल का जो रेड सैंड स्टोन से बनाया हुआ एक पुतला मिला है हमें, वो कब मिला है वो हमें, वो IVC जो हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन है रावी रिवर के पास, वहाँ से मिला है। एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल, तो कॉफिन बरियल का हमें एविडेंस मिला है। टू टाइप्स ऑफ बरियल प्रैक्टिस मिली है हमें वहाँ पे, ठीक है, एक सिमेट्री वाली और एक R37 टाइप वाली, मैंने बताया था। एक था कि पूरे इंसान को जलाते थे, एक था कि इंसान को उसके ऑर्नामेंट्स यानी लाइफ आफ्टर डेथ में ये बिलीव करते थे, तो वो चीज़ें हैं। फिर आते हैं RD बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था 1922 में, जो कि जस्ट एक साल बाद किया था, किसके बाद, जो कि थे हमारे दयाराम साहनी के बाद, इन्होंने किया था। RD बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था, जो कि इंडस रिवर के पास है। माउंट्स ऑफ डेड हम बोलते हैं अब मोहनजोदाड़ो को, क्यों बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मोहनजोदाड़ो से जो है हमें डांसिंग गर्ल का जो फिगर है वो मिला था, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हरप्पन सिविलाइजेशन से मिला था रेड सैंडस्टोन टोर्सो, एक फीमेल सॉरी मेल न्यूड का पुतला, और डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदाड़ो से मिली थी। ये दूसरी इंडस साइट डिस्कवर हुई थी, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ग्रेट ग्रेनरी यानी लार्जेस्ट बिल्डिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, ग्रेनरी का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर जो जितनी भी खेती या क्रॉप हुआ करता था, अनाज जो हुआ करता था वो यहाँ पे स्टोर किया जाता था,
और पशुपति की सील्स हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदारो से मिले हैं। ब्रोंज डांसिंग गर्ल जो है, ये हम बात कर रहे हैं इनकी, ये भी हमें मिली है मोहनजोदारो से। स्टीटाइट इमेज मिला है बियर्डेड मैन, जो मैंने बताया था एक शॉल उन्होंने ओढ़ा हुआ है, उसको हम प्रीस्ट बोलते हैं, वो भी हमें मोहनजोदारो से मिला है। थ्री सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं मेसोपोटामियन की, वो भी यहीं से मिली है। ग्रेट बाथ हमने बात करी थी, तो वो भी एक रिलीजियस एक्टिविटी था, इनका वर्शिप प्लेस था, वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। और हॉर्डेस ऑफ स्केल्टन मिला है, फाउंड ऑन स्टेयर्स इंडिकेटिंग वॉरफेयर, यानी कि वॉरफेयर लड़ाइयाँ होती होंगी, युद्ध उस टाइम पे हुए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं, मल्टीपिलर असेंबली हॉल मिला है हमें उस टाइम पे मोहनजोदाड़ो में, और मोहनजोदाड़ो हैज़ नो सिमेट्रीज, कोई सिमेट्रीज नहीं थी, एंड फाइव ट्रेजिक साइट्स हुआ करती थी। ब्रोंज के मिरर मिले हैं, निडल मिले हैं, 100 ब्रोंज के स्टैचू ऑफ बुल, तो ये सारी चीज़ें हमें मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं, एक सेकेंड, तो ये नेक्स्ट हमारे आते हैं लोथल से, इनकी मैं फ़ोटो छोटी कर देती हूँ एक बार। ये है हमारे एस आर राव, तो एस आर राव ने जो है डिस्कवर किया था लोथल में, लोथल को 1957 में, अब काफ़ी लंबा गैप आ गया, 1957 में एस आर राव ने लोथल डिस्कवर किया था। तो लोथल जो कि भोगावा रिवर गुजरात में है, ऑल्सो मीन्स माउंट ऑफ डेड, इसको भी हम माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, किसकी वजह से, मोहनजोदाड़ो के साथ कनेक्ट था इसका, इसलिए। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, यानी कि वर्ल्ड का पहला टाइडल पोर्ट, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड अगर हम बात करें, लोथल जो कि एक पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे, आर्टिफिशियल बोल लो चाहे कैसे बोल लो, वहीं से हमारी ट्रेडिंग होती थी। तो वर्ल्ड का फर्स्ट टाइडल पोर्ट जो है वो हम किसको बोलते हैं, लोथल में, जहां हमें मिला है एविडेंस ऑफ डबल बरियल। अब डबल बरियल क्या है कि मेल और फीमेल को साथ में जलाया जाता था उस टाइम पे, ऐसी हो सकता है कि सती प्रैक्टिस होती होगी कि जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो फीमेल को साथ में उनके जलाया जाता था, तो ऐसा एविडेंस कहाँ से मिला है हमें, लोथल से मिला है। कल्टीवेशन ऑफ राइस कहाँ से पता चला है हमें, लोथल और रंगपुर से, दोबारा मैंने रिपीट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइस का कल्टीवेशन लोथल और रंगपुर से पता चलता है, कहाँ है, गुजरात में। बीड मेकर शॉप मिली है कहाँ से, जो कि एक्सपोर्ट होता था वहाँ से, ये भी लोथल में मिला है। टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं हमें, बोट्स के, बोट यानी कि टेराकोटा के बने होते थे पानी वाले। आइवरी स्केल मिला है हमें मेजरमेंट के लिए। नोन फॉर कॉटन ट्रेड, कॉटन ट्रेड कहाँ से होता था, लोथल से, मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। सर्कुलर बटन सील मिली है, अब सर्कुलर का पहली बार यूज़ हुआ है, तो सर्कुलर जो बटन सील है वो कहाँ मिली है हमें, लोथल में, जिसको हम पर्शियन गल्फ सील बोलते हैं, तो ये हमें लोथल में मिला था। यहीं से पता चलता है कि जो आईवीसी है, इनका जो ट्रेड है वो पर्शियन गल्फ के साथ भी था। टू टेराकोटा मॉडल्स मिली हैं इजिप्टियन ममीज़, यानी कि कहा जा रहा है कि दो ऐसे मॉडल्स मिले हैं टेराकोटा के, जिसको हम बोलते हैं कि वो शायद इजिप्टियन ममीज़ हैं। शो ट्रेड रिलेशन विद नाइल रिवर सिविलाइजेशन, अभी नाइल वैली से भी सिविलाइजेशन से ट्रेड का जो कनेक्शन है वो कौन बता रहा है, वो हमें लोथल से पता चल रहा है। लोथल जो साइट है आईबीसी की, जो डिस्कवर की है एस आर राव ने, जो कि 1957 में करी है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम इनके बारे में नेक्स्ट क्या था, कि पेंटेड स्टोरी भी मिली है हमें लोथल में। कौन सी पेंटेड स्टोरी है, ऑन अर्थन जार, जार में तो इस तरीके से बनाया गया था, और रिसेम्बलिंग स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स इन पंचतंत्र सेक्रीफिशियल अल्टर। कहने का मतलब है कि उस टाइम पे कुछ ईविल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, इसके जो हमें सोर्सेज या एविडेंस है ये कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। एट लोथल एंड कालीबंगन शोज मेडिकल एंड सर्जिकल स्किल्स, तो यहाँ पे मेडिकल और सर्जिकल स्किल्स भी हमें पता चलते हैं यहाँ से। ये कुछ इस टाइप का ये बनाते होंगे, इसमें कुछ करते होंगे, कुछ आइडिया नहीं है। धोलावीरा की अगर हम बात करें, धोलावीरा ये हमारी कहाँ है साइट, ये कच्छ के आसपास है, खादिर बेल्ट आइलैंड जिसको हम बोलते हैं, इन कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ। तो धोलावीरा की अब हम बात करेंगे, लोथल और धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है आईबीसी के पर्पज़ से। यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिला है किसका, ऑफ 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड्स का, हालांकि वो पढ़ने में एबल नहीं है हम लोग, लेकिन स्टिल वहाँ से हमें 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड का वो मिला है। मेगालिथ बरियल मिला है हमें यहाँ से, वेयर हाउसिंग सेटलमेंट मिली है, गोल्ड के रिंग्स मिले हैं ऑल्सो एट मंडी एंड दियामाबाद, शोज ऑल थ्री फेज ऑफ हरप्पन कल्चर। तो धोलावीरा एक लौता ऐसा साइट है जहाँ से हमें जो तीनों फेज थे, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज, ये तीनों फेज के जो कल्चर है हमें कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। तो फर्स्ट साइट है ये ऐसी जहाँ से हमें तीनों फेज का पता चलता है। लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आईबीसी की ऐसी कौन सी साइट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती है, लेट करती है, तो वो है धोलावीरा। यूज ऑफ सैंडस्टोन और ब्रिक्स का यूज यहाँ पे हुआ है। फिर आते हैं हमारे जेपी जोशी, जिन्होंने डिस्कवर किया था धोलावीरा को 1967 से 68 के बीच में। नाम याद रखना है जेपी जोशी, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में इन सबके नाम आ जाएंगे और टाइम पीरियड आ जाएगा या फिर जगह का नाम आ जाएगा कि कब डिस्कवर किया था। तो ये धोलावीरा सिटी का कुछ टाउन प्लानिंग दिखाया है यहाँ पे।
कि कैसे था, तो कुछ एविडेंस मिले हैं हमें धोलावीरा से डैम्स के, इरिगेशन के, वाटर रिजर्वियर, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का. तो क्या मिला है? डैम्स का, इरिगेशन का, वाटर रिजर्वियर का, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हमें जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से. द टाउन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, अपर, मिडल और लोअर. अब तक हमने देखा जो सारे के सारे टाउन्स थे वो या तो अपर या फिर लोअर में डिवाइड थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, सिटाडेल जो है ये अपर हुआ करता था, फिर मिडल टाउन होते थे, फिर लोअर टाउन होते थे. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ये पहला धोलावीरा दो चीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए. पहला ये कि यहाँ पे ये यहाँ के यहाँ पे आईवीसी के तीनों फेज मिले हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, तीन टाउन प्लानिंग मिली है, अपर, मिडल और लोअर. ये ध्यान रखना है आपको. इट वॉज ऑल्सो अ वॉल्ड सिटी. सिटी को प्रॉपर वॉल से घेरा गया था विद हैवी फोर्टिफिकेशन, कि बाहर से कोई अटैक ना कर पाए. तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे भी युद्ध वगैरह हुआ करते थे. एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ मैरीटाइम ट्रेड, क्योंकि ये हमारा पोर्टल एरिया है, पोर्ट है, यहाँ पे बंदरगाह था, तो यहाँ से हमारा ट्रेड मैरीटाइम होगा ही. तो धोलावीरा डिक्लाइन हुआ था विद द डिक्लाइन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. जहाँ से इनका ट्रेड होता था, जहाँ से इनकी इकोनॉमी चलती थी, वहाँ जब मेसोपोटामियन का डिक्लाइन हुआ, तो कहीं ना कहीं इनको भी इकोनॉमिकली बहुत क्या कहते हैं, नुकसान हुआ. तो उसकी वजह से जो है ये भी डिक्लाइन हुए. तो ये शो करता है इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेड इकोनॉमी, की ट्रेड इकोनॉमी की वजह से इनका जो कंबाइन हुए थे ये, और एक के डिक्लाइन होने की वजह से दूसरी सिटी भी डिक्लाइन हो गई थी. धोलावीरा हैज़ बीन नेम्ड एज द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो जो धोलावीरा है ये यूनेस्को की कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था? तो 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये यूनेस्को की, क्या, धोलावीरा. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेक्स्ट राखी गढ़ी, जो कि अभी रिसेंट स्टडी में मिली गई है हमें, जो कि घग्गर हाकरा रिवर में है, हरियाणा में. ठीक है, तो अब आइडिया लग गया कि हरियाणा तक फैली हुई थी, वैसे ये यूपी तक फैली हुई थी. आईवीसी जो सिटी है, लार्जेस्ट आईवीसी सिटी है अब तक की इंडिया में, कौन सी है? राखी गढ़ी. ऑल्सो क्लेम्ड टू बी द लार्जेस्ट आईवीसी साइट. तो इंडिया की तो है ही, ऑल ओवर जो साइट मानी जाती है आईवीसी की, उसमें भी लार्जेस्ट है. एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, कि उस टाइम पे कुत्ता, जो कुत्ते हुआ करते थे, जो जानवर डॉग हुआ करता था, उसको ये क्या कहते हैं, पालतू बनाया करते थे, मतलब पेट डॉग, इनके पास एक डॉग था, पेट एनिमल. मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ टेराकोटा, तो यहाँ पे टेराकोटा का मैन्युफैक्चरिंग होता था. आइडली शेप्ड टेराकोटा हुआ करता था उस टाइम पे. पेंटेड पॉटरीज वहाँ पे हुआ करती थी राखी गढ़ी में, लार्ज नंबर में. सबसे ज़्यादा जो लार्ज नंबर में पेंटेड पॉटरीज हुआ करती थी वो राखी गढ़ी में मिलती थी. शोज रिच एंड डोमिनेंट पीपल लाइव्ड. रीसेंट फाइंडिंग हमें बताती है राखी गढ़ी के बारे में, डजेंट हैव द लेट फेज ऑफ आईवीसी. तो राखी गढ़ी में जो लास्ट फेज था, डिक्लाइन का फेज था आईवीसी का, वो हमें राखी गढ़ी में देखने को नहीं मिला है. अर्लियर इट वॉज नोन एज टू हैव ऑल थ्री फेजेज ऑफ आईवीसी. पहले माना जाता था कि जो आईवीसी है, राखी गढ़ी है, इसमें आईवीसी के तीनों फेज होते होंगे, लेकिन जब अर्लीस्ट स्टडी, अभी रिसेंट की जो स्टडी निकल के आई है, उसमें पता चला है कि राखी गढ़ी जो है आईवीसी के जो लेट फेज था, लास्ट फेज था, उसका पार्ट नहीं था. डीएनए फाइंडिंग में हमें पता चला है कि स्केलेटन मिले हैं, रिमेन्स ऑफ वुमन. तो वुमन के कुछ वो मिले हैं हमें स्केलेटन, कहाँ से? राखी गढ़ी से. राखी गढ़ी का सडन डिमाइस हुआ था, यानी कि सडन डिक्लाइन हुआ था, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द ड्राइंग अप. सूखा पड़ गया था सरस्वती रिवर के डिक्लाइन होने से, यानी कि जब सरस्वती रिवर सूखी पड़ी, उसकी वजह से राखी गढ़ी जो सिटी थी वो डिक्लाइन हो गया था. फिर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने, जो कि हमारे अमरिंदर नाथ थे, फॉर्मर आईएएस डायरेक्टर थे, इन्होंने स्टार्ट किया था एक्सकॉवेशन, यानी कि खुदाई स्टार्ट करी थी राखी गढ़ी की, कब? 1997 में. तो ये रीसेंट स्टडी है कहीं ना कहीं देखा जाए बाकी आईवीसी के बारे में. तो गवर्नमेंट ने 2021-22 के बजट में फंड निकाला था ऑन साइट म्यूजियम के लिए, बनाने के लिए. ऑल्सो कहाँ पे? हस्तिनापुर यूपी में, शिव सागर आसाम में, और धोलावीरा गुजरात में, और अदिचलनूर तमिलनाडु में. ये चार जो एरिया है इन्होंने डिसाइड किया था, यहाँ पे ये म्यूजियम बनाएंगे. फिर आता है नेक्स्ट छानूदारो, जो कि इंडस रिवर के पास है. इसको हम कॉटन टेक्सटाइल के लिए जानते हैं. कोई सिटाडल यहाँ पे नहीं मिला, यानी कि कोई लोअर सिटी, कोई अपर सिटी नहीं थी, ओनली आईवीसी सिटी थी. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स कहाँ से पाए गए हैं? छानूदारो से. ये इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन, कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स हमें मिले हैं छानूदारो सिटी से. फिर आता है हमारा कालीबंगन और घग्गर रिवर. तो कालीबंगन की अगर हम बात करें, तो ये घग्गर रिवर पे थी राजस्थान में, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बेंगल्स. तो कालीबंगन का मतलब ब्लैक बेंगल्स. यहाँ से तो क्लियरली आपको आइडिया लगा कि काले चूड़े जो हुआ करते थे, ब्लैक बेंगल्स, वो हमें कालीबंगन से मिले हैं. वेल फाउंड जो कुएं हुआ करते थे वो यहाँ पे मिले हैं. मतलब ऐसा कौन सी सिटी थी आईवीसी की जहाँ से हमें पता चलता है कि हर घर में कुएं हुआ करते थे?
तो वो कालीबंगन था। एविडेंस मिले हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के, यानी कि कंटिन्यूस मिक्स क्रॉपिंग थी, यहाँ पर क्रॉप रोटेशन की बात नहीं हो रही, मिक्स्ड क्रॉपिंग की, यानी कि मिक्स खेती हुआ करती थी यहाँ पे। द अर्लीस्ट प्लव्ड फील्ड इन इंडिया, अगर यहाँ पे हम बात करें प्लफ फील्ड की, तो इंडिया की सबसे पहली प्लफ फील्ड जो है ये कालीबंगन थी। फायर अल्टर मिला है, शोल्ड स्कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के कुछ हमें मतलब कुछ इनके रिचुअल्स होते होंगे सेक्रीफाइसेस करने के लिए, तो वो कहाँ से मिले हैं फायर अल्टर्स, ये हमें पता चला है कालीबंगन से। बिरहाना जो हरियाणा में है, देखिए हरियाणा के दो साइड अब तक पढ़ लिया हमने, राखीगढ़ी और एक बिरहाना, तो नाउ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड आई वी सी साइट। आज माना जाता है रीसेंट स्टडीज़ के हिसाब से कि जो आईवीसी की ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट है वो बिरहाना है, जो कि हरियाणा में है, और डेटिंग बैक टू कब की बात हो रही है, 7500 बीसीई की। अर्लियर जो है सबसे पहले हम पहले किसको मानते थे, मेहरगढ़ पाकिस्तान को हम पहले ओल्डेस्ट सिटी मानते थे आईवीसी की जो हमने डिस्कवर करी है, लेकिन आज के रेट में अगर क्वेश्चन आया तो ओल्डेस्ट डिस्कवर आईवीसी साइट जो है वो बिरहाना हरियाणा की है। ठीक है, ये रही कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट आईवीसी की, जो कि रोपार है जो कि सतलज रिवर पे है, यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है डॉग बरियल का और ह्यूमन, यानी कि मालिक के साथ ही उसके पेट को, यानी जो पालतू जानवर वो बनाता था उसके साथ उसके जानवर को भी दफना दिया जाता था। तो ये ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं कहाँ से, रोपार से, जो कि सतलज रिवर पे है। बनावली की हम बात करें तो बनावली घग्गर रिवर पे है, यहाँ से एविडेंस मिला है लार्जेस्ट बार्ले ग्रेन का, रेडियल स्ट्रीट का, क्ले का मॉडल मिला है हमें प्लफ का, तो ये ध्यान रखना है। एक है हमारा इंडस साइट पे कोट डिजी, तो कोट डिजी जो है यहीं पे है इंडस रिवर के पास में, ये रहा। तो यहाँ से हमें प्री हरप्पन साइट और लार्जेस्ट स्टोन टूल्स मिलते हैं। फिर आता है हमारा सुरकोतड़ा, तो सुरकोतड़ा भी यहीं पे है आसपास में ही, इनकी अगर हम बात करें, ये रहा लोथल और धोराविला के पास, तो यहाँ से एविडेंस मिला है पोर्ट बरियल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिला है, ये रहा दिल्ली के पास, यहाँ पे हिंडन रिवर जो थी, लेट हरप्पन कल्चर मिला है, यानी कि लास्ट फेज मिला है हरप्पन कल्चर का, सुप्ता गेंदो यानी कि दस्ट रिवर की बात हो रही है। मंडा की अगर हम बात करें, इसको मांडा भी बोला गया है, मंडा भी बोला गया, आप जैसे याद रखना नाम कर लेना, तो ये यहीं कहीं था। मंडा की अगर हम बात करें, ये रहा, तो इसको हम फेमस मानते हैं चेनाब रिवर के पास है जम्मू कश्मीर में। रंगपुर हमने बात कर ली है, मर्डर रिवर गुजरात में है, येलो एंड ग्रे कलर का पॉट मिला है यहाँ पे, प्री हरप्पन पीपल यहाँ पे फाउंड हुए हैं। अलादीनो जो है ये इंडस रिवर के पास है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अलादीनो, ये रहा। फिर बात करेंगे अमरी, यानी कि जो अमरी जो है वो इंडस रिवर के, ये भी अमरी जो है ये रहा इंडस रिवर के पास, ये भी प्री हरप्पन साइट है हमारी। फिर हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या है आईवीसी में और इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, ये रहा हरप्पन सिविलाइजेशन और ये इजिप्ट और मेसोपोटामियन। अर्बन प्लानिंग में क्या था, प्लैंड टाउन हुआ करते थे हरप्पन्स में विद अ ग्रिड लाइक पैटर्न, यानी कि प्लानिंग के थ्रू बनाया हुआ था। लेकिन इजिप्ट और मेसोपोटामियन में क्या था, टाउन शोज हैब्जार्ड ग्रोथ, मतलब कुछ प्लानिंग नहीं थी, डे बाय डे इन्होंने अपनी ग्रोथ की थी। स्क्रिप्ट की बात करें तो हरप्पन में इन्वेंट किया था देयर ओन टिपिकल पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी पिक्चर के थ्रू इन्होंने अपनी जो स्क्रिप्ट बनाई थी। और वहीं इनकी बात करें तो मेसोपोटामिया हैज़ अ सिनोनिक फॉर्म स्क्रिप्ट एंड द इजिप्ट स्क्रिप्ट इज नोन एज हाइरोग्राफिक, बोथ स्क्रिप्ट हैव बीन डेसिफर्ड। तो इनको हम समझ सकते हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडस हरप्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी उसको हम आज तक भी पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। राइटिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो इनकी मेजॉरिटी जो स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड इन सील्स, यानी कि सील्स में हमें इनकी जो मेन स्क्रिप्ट है मिली है। इनकी बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड ऑन द क्ले टैबलेट्स, क्ले का यूज़ करके, वाइल जो इजिप्टियंस थे ये बनाते थे किस पे, पेपियरस पे या फिर शीट्स ऑफ मेड ऑफ रीड्स, तो कुछ शीट्स हुआ करती थी उन पे ये बनाते थे अपने स्क्रिप्ट्स को। अब एक्सटेंट कैसे हुआ सिविलाइजेशन का, हरप्पन की बात करें तो ये स्प्रेड हुआ 20 टाइम्स दैट ऑफ मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो काफ़ी बड़ा एरिया था, और इनकी बात करें तो बहुत ही कम एरिया था अगर आईवीसी से कंपेयर करें तो। फिर हम आते हैं बिल्डिंग मटेरियल पे, तो हरप्पन सिविलाइजेशन बर्नड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, इजिप्टियंस जो है ये ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, और मेसोपोटामियन जो है बेक्ड ब्रिक्स का, तीनों अलग अलग हैं, तीनों को मिक्स नहीं करना है। रिलीजन की बात करें तो कोई टेंपल नहीं था हरप्पन सिविलाइजेशन में, कोई रिलीजियस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें टेंपल या रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला है, नेचर वर्शिप होती थी, बस इतना ध्यान रखना है। इनकी बात करें तो इलेबोरेट करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस, तो इन दोनों में ही रिलीजियस प्रैक्टिस होते थे, किसकी बात हो रही है, इजिप्ट और मेसोपोटामियन की। मैजिकल स्पेल्स हुआ करते थे, ब्लैक मैजिक हुआ करता था, एंड डोमिनेंस था प्रीस्ट का।
हरप्पन सिविलाइजेशन में हम वेपन्स की बात करें तो कोई क्लियर एविडेंस नहीं है वॉर और वेपन्स के, बट हाँ हमें एक साथ काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ की जो है स्केलेटन मिले हैं, तो वहीं से हमें पता चलता है कि शायद वॉर होती थी, जो ये वॉल से अपनी फोर्टिफाई करते थे अपने किले को, तो कहीं ना कहीं वहाँ से पता चलता है, बट क्लियर एविडेंस नहीं है। क्लियर एविडेंस मिलता है मेसोपोटामिया और इजिप्ट से वॉर का हमें, और एक्सपेडिशन पता चलता है इन दोनों सिविलाइजेशन का कि वॉर करके ही इनका एंड हुआ था। डिक्लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है 1900 BC के बाद, और बाकी ये दोनों सिविलाइजेशन जो है कंटिन्यू रही थी आफ्टर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर 1900 BCE। कहने का मतलब है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन पहले हुआ था। हरप्पन सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग की अब हम बात करेंगे, तो हरप्पन सिटीज़ की जो अर्बन प्लानिंग थी वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड थी आज के टाइम की अगर हम बात करें, कंपेयर कर सकते हैं। जो हाउस थे इन द सिटीज़ वर वेल प्लान्ड, काफ़ी अच्छे से प्लान करके घर बनाए जाते थे। मटेरियल जो है बिल्डिंग में वो क्या यूज़ होता था, सन के द्वारा जो ड्राइड ब्रिक्स होती थी या बर्नट ब्रिक्स होती थी ये यूज़ होते थे। हाउसेज हैड सेपरेट बाथिंग एरियाज, यानी नहाने का जो एरिया है वो सेपरेट होता था, एक भी लाइन मिस नहीं करनी है, एग्जाम के लिए सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ करते थे वन और टू स्टोरेड को। दी हाउसेज इन हरप्पन सिविलाइजेशन हैड वेल्स, यानी हर घर में कुआं होता था। अब आप कमेंट में बताएंगे कि मैंने कहाँ बताया था कि किस साइट में हर घर में हमें कुआं मिला है। ईच हाउसेज हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम हर घर में था विच वॉज कनेक्टेड टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द स्ट्रीट्स। हरप्पन सिविलाइजेशन एंड द ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेल स्ट्रक्चर था। जो स्ट्रीट्स थे इनके ये वेल प्लान्ड थे, राइट एंगल पे कट होते थे, और जो स्ट्रीट्स थे हरप्पन सिविलाइजेशन के हैड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि आपकी जो नालियां हैं वो जो वेस्ट जो हमारा डिस्पोजल होता है वो एक क्लियर जगह पे जाता था, पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, लाइटनिंग का था, ड्रेनेज सिस्टम का था, वाटर सप्लाई कैसे होगा प्रॉपर तरीके से वेल प्लान्ड इनका था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें वर्शिप के बारे में, तो प्रैक्टिस करते थे नेचर वर्शिप और योनी वर्शिप, यानी कि योग, हमें योग का वो मिला है ना यहाँ पे साइन, तो वहाँ से पशुपति के बारे में, तो उनकी वर्शिप होती थी। पीपल ऑफ IVC वर्शिप करते थे फायर, यानी कि हवन कुंड, ठीक है, यानी कि कुछ रिचुअल्स हुआ करते होंगे, पेड़ की पूजा करते थे लाइक पीपल का। और जो मदर गॉडेस मिली है वर्शिप एज शक्ति या फिर मैत्री देवी, इनको बोला जाता है। जो पीपल थे IVC के वर्शिप करते थे एनिमल, ऑक्स या फिर यूनिकॉर्न को, किस एनिमल की, ऑक्स और यूनिकॉर्न की पूजा होती थी। अब एनिमल्स के लॉर्ड किसको हम बोलते थे, पशुपति महादेव को, ठीक है। फिर हम सिटाडेल की बात करेंगे। मैनी ऑफ द सिटीज़ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हरप्पा, वर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, यानी कि अपर लेवल ऑफ सिटीज़ और लोअर लेवल ऑफ सिटीज़। फिर हमने देखा था कि धोलावीरा जो है ये तीन पार्ट में, कोई और सिटी थी जो तीन पार्ट में डिवाइड थी, अपर, मिडल और लोअर में। तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी था, यानी कि ईस्ट साइड का जो था, ईस्ट साइड का वो लोअर था बट लार्जर था, और वहीं वेस्टर्न साइड वाला रिच लोगों के लिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने वालों के लिए था, अपर साइड का था वो, और उसे हम मानते थे हायर क्लास के लोगों के लिए जो कि साइज में स्मॉल था। दिस इज द सिटाडेल एज डिस्क्राइब्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, ने हमें ऐसा कुछ आइडिया दिया है, वही हम पढ़ रहे हैं। इन सम ऑफ द सिटीज ऑफ द IVC स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। तो काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे सिटाडेल बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो में हमें मिला है सिटाडेल का एक साइट, स्पेशल टैंक मिला है जो कि बनाया गया है सिटाडेल में, और एक स्टोरे मिला है हमें जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट बात बताते हैं उसको हम, ग्रेट बात भी हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। फिर हम बात करते हैं ब्रोंज कास्टिंग, क्योंकि हम हरप्पन सिविलाइजेशन को कई बार बोलते हैं कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, तो क्यों बोला गया है, लास्ट स्लाइड है हमारी ये। जो ब्रोंज का जो स्टैचू होता था वो हरप्पन सिविलाइजेशन में पाया गया है बाय द टेक्निक कॉल्ड, इस टेक्निक को क्या बोलते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ब्रोंज के स्टैचू के बारे में बात हो रही है। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री इवन टुडे शोइंग कंटिन्यूटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, आज भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है। दिस टेक्निक वॉज पॉपुलर इन ऑलमोस्ट ऑल साइट्स में, इंपॉर्टेंट था, पॉपुलर था। जो पहली वैक्स की फिगर बनाई गई थी दे कवर्ड विद क्ले, उनको क्ले से कवर किया गया था, द क्ले वॉज अलाउड टू ड्राई, वो ड्राई करता था उसे, एंड द फिगर जो थी वो हीट होती थी और मेल्ट होता था सारा वैक्स, और जो क्ले का वो फॉर्म बनता था वो वैसा ही रहता था। दिस वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू अ होल, तो ये जो वैक्स है वो नीचे से कहीं से भी एक होल करते होंगे कि सारा क्ले बाहर आ जाए, और जो क्ले सॉरी वैक्स बाहर आ जाए, और क्ले से जो पूरा वो ड्राई हो गया था, वो जो इमेज है, जो फिगर है, वो वैसी ही बनी रहती थी। After that, the hollow clay was filled with the metal. तो उस जो क्ले का जो जगह था उसको, जो हमने वैक्स निकाला मेल्ट करके, उसको हम फिर मेटल से फिल कर दिया करते थे। After cooling the metal, मेटल के कूल होने के बाद the clay was removed.
तो उस क्ले को हम निकाल देते थे, रिवीलिंग द डिजायर्ड मेटल फिगर आइन, तो उसको फिर हम मेटल का फिगर बोलते थे। तो बहुत मेहनत करते थे ये, पहले ये क्या करते थे कि वैक्स से एक फिगर बनाते थे, तो उस वैक्स पे ये क्ले चढ़ाते थे, क्ले सुखाने के बाद एक होल करके वो सारा वैक्स पिघला के क्ले वैक्स निकालते थे। फिर उसके बाद ये क्या करते थे कि वैक्स की जगह ये उस फिगर में मेटल भरते थे, मेटल भरने के बाद ये क्या करते थे उस क्ले को उतार के उसको मेटल फिगर का इन्होंने नाम दिया था। बोथ एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स वर मेड विद दिस वे, तो ह्यूमन और एनिमल्स के ऐसे फिगर्स बनाए गए थे तो इसी तरीके से बनाए गए थे। तो आज का ये लेक्चर इतना ही था, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी वो वैदिक कल्चर पर आएगी, लेटर वैदिक और वैदिक स्टार्टिंग का जो फेज़ है, तो ये हमारा एंशियंट जो हिस्ट्री थी ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच।